देखो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अप्रोचिंग द प्रोटॉन विद एनर्जी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। द प्रोटॉन कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स द हाइड्रोजन एटम इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसमें फोटोन कितना निकलेगा पहले तो ये बताओ। ये कह रहा था रिजल्टिंग फोटोन, बाकी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका, क्योंकि जो फोटोन निकला वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरा जिसकी आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, मतलब फाइव नॉट निकल जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन निकल। बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन चला प्रोटोन से टकराया, ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट था वो हाइड्रोजन एटम था इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें फोटोन क्या रिलीज हुआ, एनर्जी डिफरेंस क्या रिलीज होगा वो बताना। बताइए, देखो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनिशियल कितनी एनर्जी थी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बनाया, देखो तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, हम क्या करें रेस पर मान लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फाइनल एनर्जी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी मैकेनिकल एनर्जी बता रखी है आपको, बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, एन इज इक्वल टू 3, बताइए। यस सर, सर -1.51। हाँ तो -1.5 बिल्कुल बेटा, तो इनिशियल थी 3 माइनस, अब बाकी कुछ भी नहीं है सिवाय उस एक्साइटेड स्टेट के, ठीक है ना। प्रोटॉन कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं दे रखा कि रिकॉइल भी हुआ या कुछ हुआ, ठीक है। तो हम तो वही मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, पूरी काइनेटिक एनर्जी। तो बस इनिशियल ये थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है -1.5, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना आया 3 माइनस -1.5, बोलो। इनिशियल 3 थी माइनस, फाइनल थी -1.5, तो चेंज कितना आया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज आ गया, यही एनर्जी फोटोन की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब फाइनल एटम बना उसकी एनर्जी कितनी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वट एवर इज द चेंज इन द एनर्जी दैट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फोटोन, उसी एनर्जी फोटोन की बात कर रहा है। तो डेल्टा ई कितना आ गया आपका 4.5 आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कमिंग आउट कितनी हो गई आपकी, ये गिरने वाली फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन निकाल लो 4000 से 12400 यूज करते हुए 3.1 आ जाएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। 4.5 माइनस 3.1 कितना 1.4 इलेक्ट्रॉन, तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये सारे बेटा मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन को देखो, दो तीन तो मैंने मीन्स में दिखा दिए हैं, ठीक है, एडवांस में भी जल्दी पूछा जाने में। जब ये एटम रिकॉइल करता है एमिशन के साथ फोटोन के, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लास्ट लेक्चर जो है पूरा उसी के ऊपर, ठीक है।